वैसे तो फरा अधिकतर चावल के आटे का बनता है, लेकिन गेहूं के आटे से बना ये फरा भी कम स्वादिष्ट नहीं। नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आटे के फरा का रेसिपी लेकर आई हूं, जो खाने में स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ साथ आपके सेहत का भी ख्याल रखता है। ये फरा स्टीम पर बनता है, इसमें ऑयल का कोई यूज़ नहीं है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और हाँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फरा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये दो बोल चने का दाल लिए हैं, जिसको साफ करके 5 से 6 घंटे तक भिंगो दिए हैं। अब इसको पीसना है। ग्राइंडर में सबसे पहले 1 बोल चने का दाल डाल देते हैं, साथ में 7-8 हरी मिर्च और 1 चम्मच जीरा लेंगे और सबको एक साथ पीस लेंगे। यहाँ हरी मिर्च और जीरा पूरे दाल के लिए है। पीसे हुए दाल को एक बोल में या एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब यहाँ दाल में कुछ मसालों को मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले 2-3 पिंच हींग और हरा धनिया डाल दिए हैं। उसके बाद आप 1/2 चम्मच लाल मिर्च, मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हरी मिर्च भी इसमें ऐड है, 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर डाल देते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला भी डाल देंगे, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर भी डाल देते हैं, थोड़ा भुना जीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे, नमक स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1 चम्मच नमक लिया है, आप सेंधा नमक का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करके सेट होने के लिए रख देंगे। अब स्टीम करने के लिए गैस पर एक भगोना, पैन या कढ़ाई को रखेंगे। इस प्रकार छोटे छोटे आटे के पेड़े बना लेंगे, फिर पूरी के आकार में इसे बेल लेते हैं। आटे में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। एक पूरी को लेंगे और एकदम किनारे पर चने के दाल की स्टफिंग को अच्छे से रख देंगे और दूसरे किनारे को ऊपर से कवर करके ढक देंगे। एक बार फिर से बताती हूँ, पूरी को एक किनारे पर स्टफिंग को अच्छे से रखेंगे और पूरी के दूसरे किनारे को लेकर स्टफिंग को ऊपर से कवर कर देंगे। इसी तरह से सारे फरे को चन्नी में रखकर ऊपर से प्लेट से कवर कर देंगे। करीब 10 मिनट के बाद फरे को चेक कर लेते हैं और फरे को पलट भी देते हैं। इसी तरह से सारे फरे को पलटकर फिर से 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं फरे स्टीम पर खूब अच्छे से कुक हो गए हैं। अब किसी प्लेट में निकाल लेते हैं, फिर इसे कट करके सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आप इसे लंच, डिनर या स्नैक में खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसे आप चटनी, सॉस या आलू टमाटर की सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाएं और इसका स्वाद लीजिए, और अपने विचार मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। यदि ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे खूब अच्छे से शेयर करें, और हाँ, चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।